मध्य प्रदेश में चार दिन से लगा मानसून का ब्रेक खत्म हो सकता है। रविवार शाम रायसेन में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और फिर तेज बारिश हुई थी। चंदन पिपलिया गांव में दीवारों में पानी बैठने से कच्चा घर गिर गया था। वहां दबने से तीन भाई बहनों के साथ उनके चाचा की भी मौत हो गई है। चार बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें सिलवानी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शिवपुरी में पिछोर थाना इलाके में डबिया कला गांव में बिजली गिरने से कथावाचक की मौत हो गई। बताया जाता है कि 6 लोगों से ज्यादा घायल हुए हैं। अलीराजपुर की ग्राम पंचायत दूथल वार्ड में बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 5 बकरों की मौत हो गई। तेज हवा पानी में घरों के छप्पर उड़ गए। अरब सागर से मानसून एक्टिविटी तेज होने से रविवार को प्रदेश के कई शहरों में बादल छाए रहे और कुछ शहरों में हल्की सी तेज बारिश भी हुई। छिंदवाड़ा में बादल फटने जैसी स्थिति बनी। यहां तेज बहाव में बुलडोजर बहते बहते बचा। बड़वानी और खरगोन में भी तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि इंदौर में सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। इंदौर संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश की भी संभावना है। भोपाल में भी हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बताया जाता है कि वहीं इस बारिश से चक्रवाती घेरा भी बनने लगेगा। अभी अरब सागर और झारखंड में चक्रवाती घेरा है। रायसेन के चंदन पिपलिया गाँव में मुन्नालाल अहिरवार की कुटीर स्वीकृत होने के बाद झोपड़ी के बगल में ही मकान बनवाया जा रहा था। इस मकान की दीवार 8 फीट तक ऊंची उठ चुकी थी, छत नहीं डली थी। बारिश से बचने के लिए परिवार के सभी सदस्य झोपड़ी में ही बैठे हुए थे। गांव के लोगों ने मलबे में से सभी को बाहर निकाला। एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी, लेकिन अस्पताल लाते लाते संध्या पुत्री विश्राम अहिरवार, ऋतिक पुत्र अजमेर अहिरवार, पूर्वी पुत्री मलखान अहिरवार और अखिलेश पुत्र मुन्नालाल अहिरवार की मौत हो गई है। रोशनी पुत्री रोकड़ अहिरवार, रंजना पुत्री मुन्नालाल अहिरवार, उसकी बहनें शिवानी और मानकुवर घायल हुई हैं। रायसेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा के तट पर चक्रवाती एक्टिविटी शुरू हो रही है। इससे 29 जून से 4 जुलाई तक भोपाल, सागर, उज्जैन, रीवा, शहडोल और इंदौर समेत प्रदेश भर में जमकर बारिश होगी। सिर्फ चंबल में बारिश के आसार अभी कम है, लेकिन भोपाल, सागर और ग्वालियर में खूब पानी गिरेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से गुजर रही है। इसके चलते 29 जून से मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी।